नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं बीफन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मुझे आपको कुछ बताना है। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे चैनल पे हमेशा फनी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आती रहती हैं, लेकिन आज मुझे कुछ आप लोगों को बताना है, इसलिए मुझे आपके सामने आना पड़ा और जो है कुछ बताने भी है। हालाँकि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और मेरा मोटिव ये नहीं था व्लॉग बनाने का, मेरा मोटिव जो है वही फनी वीडियो था। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ इंटरेस्टिंग सी बात हो तो कुछ दिल को ज़्यादा अच्छी लगती है, तो सोचा कि आप लोगों को ये बताया जाए वो क्या चीज़ है इंटरेस्टिंग जिसके सामने मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। हालांकि आपने अभी तक मेरे चैनल पे फनी वीडियो देखी होंगी, लेकिन जो चीज़ मैंने अभी देखी है यहाँ पर अपने गाँव में, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को ही बताया जाए। और वैसे मेरे लाइफ में, क्या आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी बात रही होंगी जिसमें आपने पहली बार देखा होगा उस चीज़ को? मेरे लाइफ में भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मैंने लाइफ में पहली बार देखा। कि मैं रोज़ शाम को अपने घर के छत पे ऐसे टहलता रहता हूँ शाम करीबन 6 बजे, तो टहलते टहलते मैंने क्या देखा कि मेरे घर के छत के सामने से खेत ही खेत नज़र आते हैं। इसमें एक छोटा सा खेत, छोटा सा भाग में मक्का की खेती हुई पड़ी थी, जिसमें एक 90 साल का व्यक्ति उसकी रखवाली कर रहा है। और वो रखवाली किस हिसाब से कर रहा है वो देख के मैं बड़ा आश्चर्य हो गया। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा, इससे मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि वो सीन कैसा है। कुछ ये सीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये वाला खेत, हाँ यही खेत, अभी मैं और जूम करके दिखा रहा हूँ इसको, ये देखिए। दोस्तों यहाँ से क्लियर नहीं आ पा रहा है, और दोस्तों मुझे पता है कि यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा इतने दूर का सीन, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वहीं पे जाके ये ब्लॉग बनाया जाए और उनसे पूछा जाए कि कैसे कर रहे हैं वो मक्के की रखवाली। और दोस्तों थोड़ी बहुत शाम हो गई है जिससे कि ब्लॉग साफ नहीं आ पाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ उस खेत में जिस खेत में मैंने आपको बात करी थी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं उस खेत में जहाँ पे हमारे बाबा बैठे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बैठे हुए हैं, उनका कैसा सीन है। तो देखिए ये बैठे हुए हैं ऊपर, ये देखिए ऊपर बैठे हुए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, अब पूरा मक्का खेत है इधर से यहाँ तक, पूरा पीछे तक, जिसकी ये देखभाल कर रहे हैं। और ये देखभाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रात को सियार जानवर लोग घुस जाते हैं इसमें और इनका मक्का ख़राब कर देते हैं। तो देखो भाई बैठे हुए हैं कैसे। और वैसे मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था कि जाके मिले, लेकिन ये मिल नहीं पा रहे थे, मैं भी थोड़ा काम में व्यस्त था, तो आज मिल ही गया। तो आज इनका तो चलिए थोड़ा बहुत सवाल हम बाबा जी से पूछ लेते हैं, कैसा लग रहा है उन्हें यहाँ बैठ के, आइए चलते हैं। बाबा जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठ के? कैसा लग रहा है बैठ के यहाँ पे आपको? ठीक ठीक लग रहा है। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो हमें बता सकते हैं क्या? मक्का रखवा रहे हैं। मक्का रखवा रहे हो, अच्छा आप यहाँ पे क्यों देखभाल कर रहे हो इसकी? जानवर को देखभाल करते हैं। अच्छा, कि आपका जानवर कोई फसल नुकसान ना कर दे? हाँ। तो भाई लोग जैसा कि आपने देखा, हमारे बाबा ने बताया इस मक्का की सुरक्षा के लिए इन्होंने बीच खेत में ऐसा ये बम्बूज गाड़ रखे और खुद उसके और बैठे हुए हैं सुरक्षा के लिए, जिससे कि कोई जानवर इसके अंदर ना प्रवेश कर सके। आप देख सकते हैं किसान कितनी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो प्लीज़ उनकी इज्जत करिए। और भाई लोग देख लीजिए पूरा खेत ही मक्का का है। मतलब मैंने ऐसी ज़िंदगी में बहुत पहली बार देखा है कि एक किसान ऐसे बैठा हुआ है, अच्छा सा लगता है देख के, क्या कहा जाए इन्हें।
तो मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनको थोड़ा आशीर्वाद दे, इनकी फसल को आशीर्वाद दे, हर एक किसान को आशीर्वाद दे, जिसकी वो रक्षा करते हैं उसका अपमान ना करें। तो आप बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे आप इतने सारे लोगों को मक्का प्रोवाइड कर रहे हो, गांव के लोगों को, इतने बुढ़ापे में होकर भी। इनकी एज आपको पता है कितने साल हो सकती है? कम से कम 19 ईयर्स, 90 ईयर्स, 90 साल हो सकती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 90 साल का व्यक्ति इस तरह किसानी कैसा संभव है यार। हाउ डिस्कस्टिंग, आप खुद ही देख सकते हैं, बुढ़ापा व्यक्ति कैसे अपनी फसल को सुरक्षा कर रहा है, देखिए। तो बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे लोगों को मक्का खिलवाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, बताना ये वीडियो कैसे लगी? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कल हम लोग गए थे उस खेत में जिसमें एक 90 साल का व्यक्ति 4 बंबूस गाड़े 20 खेत में कैसे खेत की रखवाली कर रहा है, अपने मक्के की रखवाली कर रहा है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था वो सीन। तो वो मेरी लाइफ का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मौसम इस समय कुछ बारिश का बना हुआ है, जो सुबह से बारिश पड़ रही है, लेकिन वो 90 साल का व्यक्ति अभी भी बैठा हुआ है एक छतरी डाले हुए। हम दिखाते हैं आपको वो सीन यहीं से, आओ। कैमरामैन जूम करके दिखाओ इन्हें। आप देख रहे हैं कि कैसे छतरी डाल के बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों, कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कल मैंने शाम को ही वीडियो रिकॉर्ड किया था जिससे साफ वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप अगर किसानों की इज्जत नहीं कर सकते तो ना सही, लेकिन जो आप घर में खाते हैं अन्न खाना, कुछ भी कह सकते हो, कृपया उसकी तो इज्जत कीजिए। और दोस्तों, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी तरफ से ढेरों सारा प्यार। आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, और हाँ, गर्लफ्रेंड का ध्यान रखिएगा, बाकी ना मान जाए वो कहीं ध्यान से। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचाइए जिसने ऐसा किसान का रूप अभी तक नहीं देखा हो। तो लेता हूँ मैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।